Hello dear comrades, welcome or welcome back to my channel Life of Lost Girl. Thank you so much for playing this video, and if you are new to this channel, please press the subscribe button and be a part of my journey. ये आदत मेरी नहीं छूटने वाली. So I have to go with this habit, और शायद मैं in future छुड़ा लूँ. It's not a big deal कि नहीं ही छूटेगी. Yes, हम छुड़ा सकते हैं. हम आज के youth हैं, हम कर सकते हैं. Yes. तो आजकल मुझे बहुत मजा आता है हॉल्स वीडियो बनाने में. मैं बहुत हॉल्स वीडियो बनाता रहता हूँ. अगर आप न्यू हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत सारे हॉल्स वीडियो बनाता हूँ. कपड़ों के भी बनाए हैं मैंने बहुत सारे हॉल्स वीडियो. तो प्लीज आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. हॉल्स वीडियो की परंपरा को बरकरार रखते हुए आई एम बैक अगेन विद अनदर हॉल वीडियो विच इज गोइंग टू बी अ ग्रोसरी हॉल वीडियो. अब यार ये तो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो ही होगी ना यार. आई एम श्योर ये इंटरेस्टिंग वीडियो होगी क्योंकि इसमें खाने पीने की चीजें हैं. और इस बार मैं जो ग्रोसरी लेकर आया हूँ, मैंने एक न्यू एक्सप्लोर किया था. मैंने बताया भी था कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर अ न्यू ग्रोसरी स्टोर, जिसका मैंने अलग से हॉल ग्रोसरी शॉपिंग वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो. और अब जो वो शॉपिंग किया था उसका हॉल तो दिखाना बनता है. अभी मैं तो अपने लिए चुन चुन कर छाट छाट कर चीजें लेके आया था, बट फिर भी स्टॉप. इस बार मैंने प्रण लिया था कि मैं बहुत सारी जो है पैक फूड्स नहीं खरीदूंगा. वैसे खरीदे तो पैक फूड ही है, पर फिर भी बहुत ज्यादा नहीं खरीदूंगा. बहुत कम केक्स वगैरह खरीदूंगा. जो केक्स मैंने शायद खरीदे भी नहीं है, कुछ ही जो सिलेक्टिव चीजें मैंने ली हैं, तो यही मेरा डिसाइडेड होने वाला था. एंड मैंने मिस्टर एक्स ने वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग देखो कब तक हम लोग स्वीट छोड़ सकते हैं, बिकॉज वी आर बिग फैन ऑफ स्वीट थिंग्स. तो फिर भी इस बार हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम छोड़ देंगे, तो अब हम छोड़ देंगे. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. हम लोग और डिले नहीं करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल के किचन के लिए एंड लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल्स फूड सेक्शन. यस, लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल्स फूड सेक्शन हम शुरू करते हैं कि हमने उसके लिए क्या क्या खरीदा है. ओके, लेट्स गो. सो फर्स्ट थिंग ही हमने कुरकुरे का पैक फूड हमने जो है उठा लिया है, जो कि मैंने कहा था कि मैं पैक फूड ज्यादा नहीं खरीदने वाला, बट फिर भी ये यार बाय चांस मेरे कार्ट में आ गया था. मैंने उस वाले ब्लॉग में बताया हुआ है कि ये मेरे बाय चांस कार्ट में आ गया था, जो कि मैंने इसलिए ले लिया. मुझे याद नहीं रहा, एंड मिस्टर एक्स को भी नहीं याद था कि ये हमारे कार्ट में आखिर आया तो आया कैसे. आई एम गोना कीप दिस, मैं इसको खाऊंगा अभी, और टेस्ट अच्छा है. अगर आपको खरीदना हो, आपने कभी ट्राई ना किया हो ये, तो आप इसको कर सकते हो. और हाँ, मैं आपको टेस्ट भी बताने वाला हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी अ ट्राई ऑन वीडियो और रिव्यू वीडियो. यस, रिव्यू वीडियो. और इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं अपनी कार के लिए भी खरीदी है, द थिंग्स फॉर माई कार एटसेट्रा एटसेट्रा फॉर माई किचन. वी हैव सेकेंड थिंग इज दिस बूंदी. यस, हल्दी आम का बूंदी पैकेट, विच इज नेसेसरी. आई थिंक हर घर में होता है, क्योंकि रायता वगैरह बनता है, तो मुझे रायता काफी पसंद है, तो इसलिए मैं लेकर आया. मुझे बूंदी वाला रायता स्पेशली सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, मुझे बूंदी वाला रायता, तो इसके लिए मैं बूंदी लेकर आया हूँ. वी हैव द थर्ड थिंग इज दिस. इस वक्त मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ. ये है स्नैक फैक्ट्री स्नैक बैटर मखाना पॉप फॉक्स नट्स. तो ये नट्स हैं, लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा होने वाला है. वहां पे मैंने देखा था एक अंकल इसको खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि वाई शुड आई ट्राई, तो मैंने इसको खरीद लिया. मैं इसको खा के बाद में रिव्यू करूंगा कि इसका कैसा टेस्ट है. मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है, और अभी मेरा मैंने अभी लंच किया है, तो अभी मैं जस्ट खा नहीं सकता, मेरा रूटीन बिगड़ जाएगा. तो मेरे पास है ये कपकेक. यस, कपकेक. तो इसको मैंने ट्राई किया, ये तो अच्छा है, ये मुझे टेस्ट में काफी अच्छा लगता है. स्वीट और अंदर से इसके वनीला फ्लेवर है, तो ये तो मेरे लिए फेवरेट चीज है. भी इसमें मैंने बहुत कम ही केक्स वगैरह बाय किया है शॉप से. नेक्स्ट चीज है हमारे पास बिस्किट. और बिस्किट तो आई एम श्योर ब्रेकफास्ट में चाय के साथ या फिर इवनिंग स्नैक्स में मैं बिस्किट तो ऑब्वियसली मैं हमेशा से अपने पास रखता हूँ. जब मैं कॉलेज जाता था तो मेरे बैग में भी बिस्किट हुआ करते थे खाने पीने के लिए, और इसलिए मैं बिस्किट्स लेके आया हूँ. और बिस्किट्स में मैंने दो तीन बिस्किट खरीदे हैं,
पहला था वो डाइजेस्टिव बिस्किट, तो अगर मैं इसका रिव्यू करूँ तो ये बिस्किट काफी अच्छा है डाइजेस्टिव के अकॉर्डिंग, ये काफी अच्छा बिस्किट है। मैं इसको दो तीन साल से, यस आई एम ट्राइंग दिस बिस्किट फ्रॉम 3 इयर्स और मुझे अच्छा लगता है, ये खाने में अच्छा है और इसमें स्टार निकलते हैं। अब बर्वन तो यार किसका फेव नहीं होता है, बर्वन तो सबका ही फेव होता है, एंड दिस इज नॉट फेव बर्वन बट दिस इज बर्वन, तो काफी अच्छा है ये, तो मतलब इसका तो रिव्यू करने की जरूरत है नहीं, सभी लोग उन्हें खाया है। हाँ कितनी अच्छी चीज, ओरियो बिस्किट, ये ओरियो बिस्किट, ये बिस्किट तो यार सबका ही फेवरेट है और बचपन में ये काफी एक्सपेंसिव होने की वजह से मैं इसको नहीं खाता था, बट खाता था यार, एक दो बार मेरे डैडी मेरे लिए स्पेशली ला के देते थे ना, तो वो मतलब मुझे चुपचाप ला के दे देते थे, तो मैं अपने बैग में रख लेता था स्कूल के और मैं खाता रहता था। तो ये कुछ फनी स्टोरी थी मेरे घर की और मेरे मतलब स्कूल टाइम की, तो मैं इसको खाता था, तो मैं तो इसको अभी खाऊंगा, आई कैन नॉट वेट माई सेल्फ। खुल गया यार, ओरियो के लिए तो बस मैं पागल हूँ, मुझे ओरियो बहुत पसंद है। आई हैव दिस सोया स्टिक नमकीन जो टैंगी टोमेटो फ्लेवर में है, गाइस दिस इज ऑसम। स्टिक्स होते हैं ना वो टेस्ट में काफी अच्छे लगते हैं नमकीन की तरह, तो उसी तरीके से ये है, तो टोमेटो फ्लेवर में है, अगर किसी को टोमेटो पसंद नहीं होगा तो उसको पसंद नहीं आएगा, जैसे मिस्टर एक्स को पसंद नहीं आया। शॉर्ट स्नैक्स है हमारे पास, विच इज दिस कुरकुरे प्लेस पॉपकॉर्न, यमी चीज, ये तो सबके लिए फेवरेट है, मतलब आजकल ये हर कोई खा रहा है, मतलब ये ट्रेंडिंग है, इट्स अ ट्रेंडिंग थिंग और इसको हर कोई खा रहा है, टेस्ट में भी ये काफी अच्छा लगता है और कोई अजीब सा टेस्ट नहीं है कि चीजी चीज है, नहीं इसमें चीज, यमी चीज और पॉपकॉर्न और इसमें मसाले हैं सारे ही, और चिली रेड चिली है, तो इसका फ्लेवर काफी अच्छा लगता है, इसको भी मैं खा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ले आया। वी हैव वन मोर आइटम विच इज ऑल्सो फ्रॉम स्वीट थिंग्स, यस, तो ये मून फिल्स, ये भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं मून फिल्स के, और वो बाउली मून फिल्स है ये, इसके अंदर क्रीम और जैम टाइप कुछ भरा होता है, ये काफी अच्छे लगते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ क्रोजॉन, यस उसकी तरह ही, अगर आपको ट्राई करना हो ना तो जरूर ट्राई करके देखना, बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है, वनीला स्ट्रॉबेरी एंड बहुत सारे, चीज में भी आता है आजकल, चीज में भी आने लगे, एक बार मैं लेके आया था बट मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसको वापस कर दिया, इसलिए मुझे चीज में ज्यादा पसंद नहीं है, मैं ज्यादातर स्ट्रॉबेरी और वनीला में ही लेके आता हूँ, ज्यादातर मैं दो फ्लेवर में लेके आता हूँ बट मुझे काफी अच्छा लगता है। वी हैव वन मोर बिस्किट विच इज ऑल्सो फ्रॉम नाइस ड्यूक्स, ओके वो ब्रिटानिया का था शायद, नहीं वो मैकबिटीज का था, एंड ये है ड्यूक्स का नाइस, और ये कोकोनट बिस्किट है गाइस, कोकोनट बिस्किट तो मुझे शुरू से काफी पसंद है, और कोकोनट तो यार आई थिंक सबको ही पसंद है, इंसान कैसे भी खा सकता है, विदाउट टी और कॉफी एंड चाय के साथ भी खा सकता है, कोकोनट बिस्किट इज मेरा फेवरेट थिंग, माय फेवरेट मीठी चीजें, इतनी ज्यादा खांसे आ गई है मेरे पास। एक और मिल गया मुझे, ये क्या है ये है क्रीम रोल। अब दो तरह के क्रीम रोल होते हैं, एक होते हैं जो बचपन में ऐसे वो स्कूल के बाहर बिकते थे, दूसरा है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला है, दिस इज ₹30, यार ये 30 रुपीज का है, मैंने ये दो खरीदे थे, क्या है तो मैंने ये दो खरीदे थे, एक मैंने लाया था तो मैंने इसको तभी खा लिया था, ये टेस्ट में काफी अच्छा है और काफी मतलब बेस्ट है। तो मैंने लिया है खड़ी इलायची बोलते हैं इसको, मोटी इलायची बोलते हैं, ये मसाले में डालने वाली इलायची, और मैंने इसको अभी तक इसलिए नहीं खोला क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था, वैसे मैंने कल वो बनाया था राजमा तो मुझे उसमें डालना चाहिए था बट मैं नहीं डाल पाया क्योंकि शूट नहीं किया था। सेकंड थी इलायची तो हर घर में होती है, इलायची को मेरे को लानी थी क्योंकि खत्म हो गई थी, और इलायची ठीक रहती है, मतलब एक बार एक पैकेट लिया 6-7 महीने 3-4 महीने तो चली जाती है आराम से, चाय में डाल, मैं ज्यादातर चाय में इलायची वाली चाय वाय पी लेता हूँ ना कभी कभार, तो मैं इलायची वाली चाय पीना प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैं चिलायची बोलने जा रहा था तो इसलिए मैं इलायची लेके आया क्योंकि इलायची मेरे घर पे खत्म होने वाली थी। इस बार मैंने स्विच किया है ये रॉक सॉल्ट पे, नॉर्मल सॉल्ट से मैंने रॉक सॉल्ट पर स्विच किया है, लेट्स सी कि इसको खा के मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, किस चीज के लिए है ये। वैसे तो मिस्टर एक्स ने बताया कि ये
ब्लैक सॉल्ट होता है, जो रॉक सॉल्ट होता है, ये काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो इसलिए मैंने स्विच किया। लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा होगा। और एक लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल यार, आई थिंक मुझे लगता है मुझे रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर देना चाहिए। हर कोई ये बोलता है कि रिफाइंड ऑयल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरी लास्ट थैली है, इसके बाद मैं ये रिफाइंड ऑयल नहीं लाऊंगा। मैं इसकी जगह स्विच करके ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर तिल का तेल लेकर आऊंगा, वो खाया करूंगा। तो मैं हींग लेकर आया हूँ, दो पहले लेकर आया था बाय वन गेट वन पे, बट वो खत्म हो चुकी थी, तो उसके लिए मैंने एक और हींग की बॉटल लेकर आया हूँ। वॉश बार से कैसे पीछे हट सकते हैं, तो बर्तन धोने के लिए मैंने कुछ ये तीन साबुन भी ले लिए। ये बर्तन धोने वाला नहीं है, नहीं ये बर्तन धोने वाला नहीं है, ये कपड़े धोने वाला है। डिटर्जेंट केक, दिस इज डिटर्जेंट केक। तो केक है तो किचन है, तो मतलब घर के आइटम का है, तो दिस इज डिटर्जेंट केक। और कपड़े धोने के लिए है, वो भी पहले मैं रिल ला रहा था, तो अब मैंने इस पर स्विच कर दिया क्योंकि ये मुझे कुछ नया दिखाई दिया। और ये लेट्स सी ये कैसा है, मतलब देख तो रही हूँ, एक मैंने निकाल लिया, तो कपड़े तो उससे मतलब कपड़े का तो पता नहीं कैसे धुलता है कैसे नहीं धुलता है, इतना मुझे आइडिया नहीं है, मगर हाँ ये गलता कम है, दिन वाला गलता बहुत ज्यादा है। सेकंड नहाने में नहाने के लिए साबुन मेडिमिक्स पे स्विच कर दिया। वैसे तो बहुत सारे साबुन ट्राई करने के बाद और मतलब जो समझ में आ जाता वो उठा लाता हूँ अपने, छोड़ दो मेडिमिक्स साबुन, तीन थे एक मैंने निकाल लिया। डिश वॉश बोर्ड, ये जो केक होते हैं ये बहुत गलते हैं, और बुश का तो उतना नहीं गला, लेट्स सी कि ये गलेगा या उतना ज्यादा कि नहीं गलेगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक करना, इस वीडियो को आपको पसंद आ रही होगी अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज। ऑप्शंस हमारे पास है ये फ्लशमैटिक का टॉयलेट क्लीनर, यस टॉयलेट क्लीनर, तो इसको दिखाने की कोई चीज दीजिए जब बात ही नहीं है। ओके, इसको जो फ्लशमैटिक होता है ना उसमें डालना होता है और उसके बाद पानी निकलता है ग्रीन ग्रीन। बाथरूम के लिए ये हमारे पास दिस इज लेमन टैंगी डिलाइट बाथरूम फ्रेग्रेंस, कैसी आवाज बोला मैं, तो दिस इज बाथरूम फ्रेग्रेंस। एक ही लेकर आया हूँ मैं क्योंकि ये टिकते तो है नहीं, वैसे भी एक लगाऊंगा एक ही दिन मुश्किल से टिकेगा, ये थोड़ी बहुत देर के लिए सारी इसकी स्मेल उड़ जाती है, ये रुकता ही नहीं है। तो बाथरूम एसेंशियल्स में हमारे पास एक ये टेटमोसोल मेडिकेटेड सोप है, और ये मैंने नहीं लिया, मिस्टर हाँ तो ये उन्होंने ही लिया है बैग में। लेट्स सी कि इसका कैसा होगा, ये बहुत वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, तो हम इसको बहुत शॉर्ट में फिनिश करेंगे। हमारे पास है बूश का, यस बूश का ही हमने इस बार सारी चीजें जो मतलब जो किचन जो मतलब बाथरूम से रिलेटेड थी वो ज्यादातर मिस्टर एक्स ने रिकमेंड किए। और ओके रिकमेंडेड बाय माय फ्रेंड, और उन्होंने रिकमेंड किया है ये सारा बूश का डिटर्जेंट केक वगैरह लेने का, डिटर्जेंट पाउडर डिश वॉश वाला। तो अब लास्ट में किचन की चीजों में था बेसन दाल, अरहर की दाल, और दिस इज पर्सनल केयर रिमूवल क्रीम फॉर जिसमें है ये क्या है प्लेटिनम बासमती राइस लूस, ये बासमती राइस है, दूसरा कौन सा राइस है, ओके दो राइस है हमारे पास, ये 2.42 केजी है, ये 1 केजी है, और पता नहीं ये दो दो चावल कैसे हैं, मिस्टर एक्स ने कुछ तो भी इसमें किया है। हाँ तो ये तो हो गया, अब हमारे पास लास्ट चीज बची है विच इज फ्लोर क्लीनर, तो ये भी मुझे काफी ठीक प्राइस में लगा, तो मैंने इस बार इसको ले लिया है, ये भी मैंने स्विच कर दिया है। और ये है मिस्टर मसल्स का, सो दिस इज मिस्टर मसल्स का फ्लोर क्लीनर। मैंने इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से लिया है क्योंकि इस पे लेवेंडर है और लेवेंडर इज माई फेवरेट स्मेल, यस माई फेवरेट स्मेल इज लेवेंडर, तो इसकी वजह से मैंने इसको लिया है। यस पौने दो महीने के अंदर मैंने ग्रोसरी के लिए चला गया था मैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द कार के लिए, हमारे पास कार थिंग्स फॉर माई कार में है ये ओरिगामी का टिश्यू पेपर, ये मेरी कार के लिए है, मैंने लिया था। और अब हमारा डब्बा खाली हो चुका है, लास्ट में है हमारे पास एक सो अभी बिल भी है हमारे पास, और बिल इसका बिल गाइस कैन यू गेस कि इन सारी चीजों का बिल कितना आया होगा, तो इन सारी चीजों का बिल आया है 5004 रुपए, यस तो 5004 रुपए इन सारी चीजों का बिल आ चुका है। वैसे ये 5004 रुपए इन सारी चीजों का बिल नहीं आया है, इसमें उस इस बिल के अंदर
काफी सारी चीजें मिस्टर एक्स की भी थी जो उन्होंने अपने घर के लिए बाय की थी, ये मैंने अपने घर के लिए बाय किया, तो दोनों का मिक्स करके। सो गाइज यही था मेरा ग्रोसरी हॉल वीडियो और लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल की ग्रोसरी फलाना ढिमकाना जो भी था। सो इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा बिकॉज बहुत लॉन्ग हो गई है, इतना मुझे आइडिया भी नहीं था कि वीडियो इतनी लंबी चली जाएगी इतना फास्ट बोलने के बाद भी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज सपोर्ट मी गाइज, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, यहाँ कहीं तो हैंडल दिख रहा है मेरे इंस्टाग्राम का, प्लीज उसको फॉलो कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं MWF में वीडियोस अपलोड करता हूँ, सेम टाइम सेम चैनल में आपको उस पर मिल जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज, ओवर एंड आउट।